लगाते थे ऐसे, लेकिन अब ऐसे नहीं लगाना है। ये स्कूल में लगाते थे ऐसे, तो मिनट में 100 लगाने हैं। ये वाले, ये लगाने हैं आपने, मछली वाले बिच्छू लगा रहे हैं ऐसे ही, यो यो ये आगे आएंगे, पैरों को पूरा पीछे फेंकना है ऊपर। दोस्तों गुड मॉर्निंग, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। दोस्तों प्रातः हो चुकी है, प्रातः का बच चुका है अभी 6:15। मैं पहुंच चुका हूं दोस्तों कर्नाटक खोला। आज हमारे साथ भीमदा हैं, जो हमारे पड़ोसी हैं, दाजू बड़े भाई, और आज ये भी जा रहे थे, इनको मैं खींच के लाया यहाँ को, और जो लोग फील्ड में जाते थे। ये देखिए, ये मेरे साथ आज 3 किलोमीटर की दौड़ इन्होंने पूरी कर दी है। कैसा लगा बताइए अपना अनुभव? बहुत अच्छा लगा सर। पसीना हुआ नहीं? वाह, नहाने से ज्यादा हो गया। तो आप भीमदा हमारे यहीं पहुंचे हैं, बहुत अच्छा लगा। मैं आ ही रहा था तो अभी अंधेरा ही था दोस्तों, देखिए पूरा कोहरा लगा हुआ है। अभी हमारा लोकेशन है कर्नाटक खुला अल्मोड़ा में, ये देखिए चारों तरफ कोहरा ही कोहरा है, बिल्कुल दिख नहीं रहा है। तो मैंने सोचा कि वहाँ से जब वीडियो बन नहीं पाएगी, इस यहाँ करके वीडियो बनाना शुरू किया है 3 किलोमीटर दौड़ने के बाद। तो दोस्तों आज थोड़ा सा आपको दिखाएंगे, क्योंकि हमारे पास वीडियो बनाने वाले हमारे पास हैं, तो आपको कुछ आज नमूने दिए जाएंगे। दोस्तों आज आपको दिखाएंगे कि हम डन बैठक, जो हमारी पुलिस भर्ती की तैयारी है ना, तो डन बैठक लगाना आज आपको सिखाया जाएगा। थोड़ा सा नमूना दूंगा मैं, बाकी विस्तृत ब्लॉग में बाद में दूंगा। पहले हम ऐसे लगाते थे ऐसे, लेकिन अब ऐसे नहीं लगाना है। ये स्कूल में लगाते थे ऐसे तो? हाँ, स्कूल में लगाते थे, ठीक है। आज हमने आपको दिखाना है डेमो, तो डेमो दिखाएंगे हम। ये देखिए, ये हाथ ऐसे रखें, ये लगाना है, देखिए ये ऐसे लगाना है। आपने 2 मिनट में 100 लगाने हैं ऐसे। अब आप अभी से तैयारी करें, एक दिन 20 लगाएं, दूसरे दिन 40, तीसरे दिन 60, ऐसे ऐसे करके आप लगा सकते हैं, कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं है। अभी से लगाना, अगर उस दिन आप लगाएंगे ना, अगले दिन आप उठ नहीं पाएंगे, परेशानी होगी थोड़ा सा। 20-20 करके आप डेली नियमित रूप से बनाएं, आज 20 कल 40। अब अगला डिप्से का बता देता हूँ। डिप्से के लिए कुछ नहीं करना है, 4 मिनट में हमने 75 लगाने हैं, 4 मिनट में 75। तो कुछ नहीं करना है आपने, नियमित रूप से ये लगाना है आपने, नॉर्मली वाले डिप्से लगाने। देखिए ये वाले, ये लगाने हैं आपने, मछली वाले, ये वाले लगाने हैं। हाथ ज्यादा नहीं फैलाने हैं, पैर पीछे ज्यादा नहीं करने हैं, ये करना है। यूट्यूबर चल रहे हैं, देखिए ऐसे लगाने हैं। ये मछली वाले हैं, आप इनको लगाएंगे ना, आपको 4 मिनट में पता ही नहीं लगेगा कब 75 हो गए करके। अभी से लगाते रहे, 25-25 के स्टेप मारते रहे, और आपके हो जाएंगे कंप्लीट। अब देखिए दाजू हमारे ध्यान में बैठ चुके हैं, थोड़ा अंदरों विलोम कपाल भारती करते हुए, ब्रीदिंग करते हुए। यहाँ पर बहुत सारे लोग आए हुए हैं हमारे, देखिए मॉर्निंग वॉक वाले अंकल लोग, सभी लोग आए हुए हैं। सुबह सुबह का समय है, बहुत आनंद आ रहा है। देखिए ये है, आज ये कभी नहीं आते थे यहाँ पर, मैंने कहा आज इनको खींच के ले आया मैं। तो दोस्तों आप डिप्स लगाते रहें, दन बैठक करते रहें, हल्का हल्का करते रहें। अगर उस दिन आप करेंगे ना, फिर दौड़ नहीं पाएंगे आप। हमारे समय में क्या होता था, सुबह नापजोक होती थी, नापजोक के बाद हम लोग फिजिकल करते थे। फिजिकल का मतलब सारे इवेंट, 5 के 5 इवेंट हम एक ही दिन करते थे, ठीक। और लास्ट में बॉल थ्रो, जंप, दंड बैठक और डिप्स, चिन अप, इसके बाद हमारी होती थी शाम को दौड़। इतना थका देते थे, इतना थका देते थे सुबह से शाम तक, फिर उसके बाद दौड़ करनी पड़ती थी, और दौड़ में तो हालत ख़राब हो जाती थी, आप समझ सकते हैं। दंड बैठक करनी है, डिप्स करने हैं, इसके बाद इंसान कितना थक जाता है आप समझ सकते हैं। उसके बाद हम लास्ट में रनिंग करते थे, तो बहुत हालत ख़राब हो जाती थी हमारी। देखिए लड़के दौड़ रहे हैं, तो इसलिए मेरा आपसे निवेदन है कि अब यह है कि अब ऐसा नहीं हो रहा है। नापजोक के लिए अलग से बुला रहे हैं आपको,
फिर फिजिकल आपका अलग से हो रहा है, रनिंग जो अब लास्ट में बच जाती है वो अलग से दिन कराई जाती है, उसके लिए अलग दिन निर्धारित किया जाता है, तो अब कहीं ना कहीं काफ़ी सुकून है। यह है भोलेनाथ जी का मंदिर, अब कभी नीचे जा कर के दिखाऊँगा आपको समय के अकॉर्डिंग, मैं तो जाते रहता हूँ और समय खैर। राजू गुड मॉर्निंग। मॉर्निंग मॉर्निंग सर। आगे घूम के तो डेली चलता है? डेली डेली। गुड। उसके बाद उसको थोड़ा एक्सरसाइज भी करनी है। एक्सरसाइज का मतलब आप ऐसे डिप्स लगा रहे हैं ना, या आप डिप्स लगा रहे हैं ऐसे ही यूं यूं ये। हाँ ये हमारे कमर की एक्सरसाइज है, कुल्ले की एक्सरसाइज है, पैरों की एक्सरसाइज है। इससे आपको जो कमर में जो ऐठन है ना वो सब दूर हो जाएगी। ये आप ट्विस्ट भी कर सकते हैं, ये भी कर सकते हैं, ठीक है। और इसके अलावा एक चीज़ और है, ये पैर पीछे हाथ आगे ऐसे उछलेंगे और आप पीछे जाएंगे, देखिए कैसे जाएंगे, ये आगे आएंगे, पैरों को पूरा पीछे फेंकना है ऊपर, ये देखिए, ये देखिए, ये डिप्स लगाना है। पानी जी शूट कर रहे हैं आज, ये आपने भी ऐसे ही करना है। और दोस्तों हम लोग जाने लग गए हैं वापस, आज भिमदा में दौड़ की प्रैक्टिस करा रहा हूँ, ये भी कह रहे हैं मैं भर्ती होना है। भर्ती 50 साल हो गए यार। 50 साल की भर्ती में जा रहे हैं। तो आज मैं इनको ले आया है, आज इनको नींद आएगी बहुत तगड़ी वाली, आपको भी आ रही होगी जो पहली पहली बार दौड़े ना, हालत ख़राब जा रही होगी, पैरों में दर्द नींद के मारे। कोई बात नहीं, करते रहें, धीरे धीरे हैबिट आपकी बन जाएगी। देखिए सुबह सुबह का मौसम, बादल झमाझम आसमान में और रोड सुनसानी, कोई दौड़ने आने रहे, यही आ रहे हो दौड़ने, देखिए ये हमारे रोड ब्लॉक करने के लिए आ रहे हैं। तो देखिए भिमदा ने गाड़ी रोक ली है जाने के लिए, ये कह रहे हैं गाड़ी में जाते हैं करके, मैंने कहा गाड़ी में नहीं जाना है, गाड़ी रोक दे, इनके कोई परिचित मिल गए हैं। अब चल गई है हमारी चढ़ाई, भिमदा ने आज ना पूरी टक्कर दे रखी है मेरे को। देखिए आप लोग भी जो नज़दीक में है ना, आप लोग भी आ सकते हैं दोस्तों हमारे साथ दौड़ने के लिए, अल्मोड़ा में जो भी है ना, जो भी हमारे ब्लॉग देखते हैं, सुबह हमें 5:30 बजे हर सर लोअर माल रोड ऐसे कैंपस गेट में मिल सकते हैं, और हम आपको पूरी प्रैक्टिस कराएंगे डिप्स की, बॉल थ्रो की और जंप की, पूरे टिप्स आपको दिए जाएंगे लाइव वाले। कृपया आप हिम्मत तो रखें, देखिए हमारे भिमदा ने कितनी हिम्मत रखी हमारे साथ। ये देखो भिमदा दौड़ रहे हैं, थक गए हैं बेचारे बहुत, अब आज इनका पेट कम करना है हमने ना। दोस्तों हम लोग पहुंचने वाले हैं, अब बच गया है हमारा 300 मीटर और बच गया, क्योंकि यार थोड़ा आराम से दौड़ना पड़ा है, हाँ पसीना बहुत हो चुका है, पूरा भीग चुका है पसीने से, लेकिन थोड़ा हल्का दौड़ना पड़ा आज, बहुत मज़ा आ रहा है सुबह सुबह की ठंडी ठंडी हवा में ना, ठंडी ठंडी हवा, अल्मोड़ा की वादियों में, अल्मोड़ा की सुनहरी वादियों में, नैसर्गिक सौंदर्य में, सुबह ना यहाँ पेड़ पौधे बहुत पाए जाते हैं दोस्तों, यहाँ पहाड़ में ना दौड़ते हैं तो आपको दौड़ने में ना सबोगेशन नहीं होती है, आपको ठंडी ठंडी हवा पेड़ों से मिलती रहती है, तो बहुत मज़ा आता है। जय शनि देवता, आज भोलेनाथ जी का दिन है तो थोड़ा सा शनि देवता के दर्शन कर लीजिए, हाथ जोड़िए प्रणाम कर लीजिए, सुबह सुबह देवताओं के दर्शन करने से दिन बड़ा अच्छा जाता है दोस्तों। ए पांडे जी धारे का पानी भरने लग गया शुद्ध, दोस्तों पानी भी भरने जाते हैं शुद्ध जल, देखिए पसीना हो चुका है बहुत ही, लेकिन थोड़ा पानी भरते हैं, 2 गैलन मलाया हो, 1 गैलन घर पर आए हैं, और घर जाते जाते पी जाते हैं 1 गैलन पानी, पूरा 5 लीटर पानी पी जाता हूँ पूरा दिन भर, जब इतना पसीना निकल रहा है तो पानी तो पीना ही पड़ेगा दोस्तों, नहीं तो पानी बहुत आ रहा है, पानी कोई दिक्कत नहीं है, भर गया है, अब गर्मी में है पानी की दिक्कत। भोलेनाथ जी का मंदिर भी है, लोग सुबह सुबह पूजा करने के लिए आ जाते हैं।
दोस्तों इधर ठंडा पानी है ना, ये पानी अगर आप बाहर को ले जाएं, दिल्ली में ले जाएं ना, तो ये पानी 20 से मतलब दिखेगा दोस्तों। यहाँ इतना पानी बह रहा है, देखिए इतना पानी आ रहा है, ये देखो ताज़ा पानी है। अभी हमें मंत्रणा चल रही है, ये जलाल जी हैं हमारे, जो अल्मोड़ा में जलाल प्लेस है उसके ऑनर हैं, और ये बालम जनोटी जी हमारे चल रहे हैं धीरे धीरे कदमों से। अभी बालम जनोटी जी हमारे ब्लॉग में आए नहीं है, उनका कहना है कि अब जरा ठीक हो जाऊंगा तब आऊंगा। ये लोहनी जी हैं, यहाँ पर ये चल रहा है कि मंत्रणा ये चल रही है कि यहाँ पर पंडाल कहाँ पर लगेगा। जलाल जी का कहना है कि यहाँ पर हम सुबह सुबह घूमने आते हैं, नंगे पाँव धूप में घूमते हैं, तो यहाँ पर अगर पंडाल लगाएंगे तो हम घूमेंगे कहाँ। ये देखिए वही बात चल रही है, और यहाँ पर दुर्गा पूजा का महोत्सव 2 तारीख से होगा। हम आपको बहुत शानदार ब्लॉग देंगे, कीर्तन भजन आरती सभी चीज़ होगा दोस्तों यहाँ पर।